हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के पास एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। असिस्टेंट स्टोर कीपर एंड AG3 दोनों ही पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट हुए हैं 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, अच्छी खासी नंबर के सीट पर रिक्रूटमेंट है। वैसे तो ये यूपी की वैकेंसी है, लेकिन अदर स्टेट जैसे कि बिहार, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, मतलब ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है पोस्ट। तो अगर आप भी इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में जानना चाहते हो कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। वीडियो को बस एंड तक आप जरूर वॉच करना। और अगर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप जाके फॉलो कर लो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए वहां पर फॉलो कर लीजिए। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू असिस्टेंट स्टोर कीपर एंड AG3 की वैकेंसी आई है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है यूपी ट्रिपल एससी जिसके थ्रू ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के थ्रू यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो असिस्टेंट स्टोर कीपर एंड असिस्टेंट Grade 3, इसको बोलते हैं AG3, ठीक है। अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज सीट्स क्या होने वाला है। दिस इज फॉर असिस्टेंट स्टोर कीपर, जनरल कैंडिडेट के लिए है 83 पोस्ट, EWS के लिए 19 पोस्ट रहेगा, OBC के लिए 53, SC कैंडिडेट के लिए 41 एंड ST के लिए 3। ओवरऑल देखिए तो असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 199 सीट रहने वाला है। वहीं पर असिस्टेंट Grade 3 का 1 सीट रहेगा और ये 1 सीट जनरल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अप्लाई की डेट क्या है। फ्रेंड्स, ये फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन हो रहा है 15th of Feb से और लास्ट डेट आपका 6 मार्च रहने वाला है। सो अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी 6 मार्च आ जाएगा, फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब बात करें कि फॉर्म का फी क्या लिया जाएगा। अगर फॉर्म फी की बात करूं तो जो भी यूपी की वैकेंसी आती है ना, उसमें सबसे अच्छी बात यही होती है कि ऑल कैटेगरी से देखिए यहाँ पर 25 रुपीज लिया जा रहा है, मतलब बच्चों से ज्यादा फॉर्म फी नहीं लिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रखी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि किस डेट से आपका एज कैलकुलेशन होगा। एज ऑन 1st of July 2024 योर एज विल बी 18 to 40 years, मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है सभी इलिजिबल होंगे। साथ ही साथ रिलैक्सेशन यानी कि उम्र में छूट भी दिया जाता है, ओबीसी को 3 वर्ष का और SC ST को 5 वर्ष का। आई होप एज क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। जैसा कि आपको बताया कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, तो कुछ एक बेसिस होना चाहिए ना इसके लिए। चलिए मैं बता देती हूँ। यूपी ट्रिपल एससी का PET यानी प्रीलिम्स एग्जाम टेस्ट 2023, जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उनके पास स्कोर कार्ड है, वो सब कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद 12th पास आउट होना चाहिए, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है आपने इंटर कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपको टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे देखें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन इज डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 stages। जैसा कि अभी आपने देखा कि PET यानी प्रीलिम्स एग्जाम टेस्ट तो आपका पहले ही प्री का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है, उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर फिर जो आपका मेंस होता है, तो समझिए कि सिंपली जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो एग्जाम होगा। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं ज्वाइनिंग लेटर की तरफ, पहले स्टेप की तरफ, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा। फ्रेंड्स, एग्जाम आपका होगा 100 क्वेश्चन के लिए, 100 मार्क्स का, समय रहेगा 2 घंटे का और निगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, तो ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट आपने PET का एग्जाम दिया था वो सभी आप यूपी में जाके एग्जाम देंगे, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा।
और चलिए अब आगे बता दूं सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा। हिंदी से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, उसके बाद जनरल नॉलेज की 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए एंड कंप्यूटर नॉलेज से भी क्वेश्चंस रहेंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। देखिए बेसिक कंप्यूटर का आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट जो है वो आपका मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का स्पेशल जीके जीएस और करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के लिए रहेगा। देखिए स्टेट वाइज जो भी एग्जाम होता है ना जिसे स्टेट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है वहां से रिलेटेड जीके जीएस तो जरूर पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि वहां का तो आपसे पूछेगा क्या है इतिहास भूगोल सारा कुछ करेंट अफेयर्स में वहां क्या करेंटली हुआ ये सब पूछता ही है तो पढ़ के जाइएगा। तो बेसिकली सिर्फ ये आप एग्जाम देंगे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपका डीवी होगा, उसके बाद मेडिकल फिर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो आपको यूपी में ही सर्व करना पड़ेगा। तो आइए मैं बता देती हूँ कि क्या सैलरी आपको दिया जाएगा। 19,900 मतलब 20,000 से शुरुआत होगी और आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस हर साल जो आपके सैलरी में बढ़ोतरी होगी उसके बाद आपकी सैलरी 63,200 यानी कि 65,000 के करीब पहुंच जाएगी। एंड आई होप कि आज जो कुछ भी आपको मैंने इस पोस्ट के रिगार्डिंग डिटेल में बताया है आपका सारा डाउट एंड कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी अब भी आपको कोई दुविधा है कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं वहां पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अदरवाइज अगर वीडियो पसंद आई हो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून बाय बाय टेक केयर।